नीट परीक्षा में हुई धांधली को आप इस क्रोनोलॉजी के जरिए समझिए। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके अध्यक्ष हैं प्रदीप जोशी, पहले NTA नीट परीक्षा धांधली मामले में किसी भी गड़बड़ी से मना करता रहा। फिर जब छात्रों और पेरेंट्स का गुस्सा बढ़ा, देश के कुछ हिस्सों से आत्महत्या और प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, तो इस प्रेशर में NTA को जांच के लिए कमेटी बनाने के लिए राजी होना पड़ा। अब इस कमेटी में मोदी सरकार ने मामले की जांच के लिए प्रदीप जोशी, जो कि NTA के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने नीट परीक्षा कंडक्ट कराया, उन्हें ही जांच के लिए नियुक्त कर दिया गया। मतलब ये हुआ कि प्रदीप जोशी खुद प्रदीप जोशी की जांच करेंगे, यानी आरोपी ही अपराधी की जांच करेगा। चोर को ही चोरी पकड़ने की जिम्मेदारी दे दी। इतना ही नहीं, प्रदीप जोशी भाजपा और संघ के करीबी भी बताए जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक प्रदीप जोशी को RSS की सिफारिश पर नियुक्त किया गया था। ये सारा तामझाम उस धांधली को छुपाने के लिए किया गया, जिसमें 24 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। इसीलिए नीट परीक्षा के परिणाम साजिशन मोदी जी के शपथ ग्रहण से पहले ही जारी किया गया, ताकि बड़ी बड़ी खबरों के बीच छात्रों के साथ हुआ ये धोखा, उनकी आवाज को दबाया जा सके। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने NTA को 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द करके दोबारा नीट एग्जाम आयोजित करने के लिए कहा है। इन सबके बीच ये तो साफ हो गया कि नीट परीक्षा में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है और भ्रष्टाचार भी किया गया है। पिछले 10 सालों में यानी मोदी काल में एग्जाम सेंटर और कोचिंग सेंटर का एक नेक्सस बन चुका है, जिसमें पैसे दो पेपर लो का खेल खेला जा रहा है, जिसके कारण अनगिनत छात्रों युवाओं का भविष्य अब तक बर्बाद हो चुका है। नीट घोटाले में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक निष्पक्ष जांच की मांग करती है। जांच के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और लाखों छात्र छात्राओं को मुआवजा देकर उनका साल, उनका भविष्य बर्बाद होने से बचाया जाए।